उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर देहरादून में कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य में स्कूल खोले जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब 10वीं और 12वीं के स्कूलों को 1 नवंबर से खोला जाएगा। यहां पर हैरानी वाली बात यह है कि स्कूल खोलने की तारीख तो तय कर ली, लेकिन दिन नहीं देखा। पहले चरण में जब 10वीं और 12वीं के स्कूल खोले जाएंगे तो उसके लिए 1 नवंबर की तारीख तय की गई है, और इसकी जानकारी खुद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पत्रकारों को दी। कैबिनेट के फैसले में तय की गई तारीख पर अब विवाद शुरू हो गया है। सवाल यह है कि 1 नवंबर को जब रविवार है तो इस दिन से स्कूलों को कैसे खोला जा सकता है। इसे एक छोटी सी गलती मानकर इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है, जहां पर एक सरकार का फैसला इस तरीके का है कि उस पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें तो कैबिनेट की इस बैठक में और अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कोविड-19 के लिए 1 साल तक सभी की सैलरी से 1 दिन का वेतन भी काटे जाने की बात की जा रही है, और कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। लेकिन 1 नवंबर से स्कूल खोले जाने को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी खुद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने दी थी। आज टोटल 18 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इसमें 2 उच्च शिक्षा से संबंधित थे। उस शिक्षा के एक महत्वपूर्ण जो हमारे अनुदान जिनको हम देते हैं उनके संबंध में चीफ सेक्रेटरी और अन्य सेक्रेटरियों की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, और इसी प्रकार से खेल नीति का भी जो मंजूरी थी 2020 वो भी जारी कर दी गई है। इससे अलग जो अन्य विषय हम लोगों ने प्रमुख रूप से दिए हैं उसमें अपने स्कूल खोलने का निर्णय हमने ले लिया है। 10वीं और 12वीं तक के स्कूलों को हम 1 नवंबर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ केवल 2 क्लास चलाएंगे। ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली आबकारी विभाग में लागू करने के लिए नासिक की जो एक सिक्योरिटी के संबंध में वहाँ जो भारत सरकार का उपक्रम है उससे MOU करके उसे लागू किया जाएगा। कुछ नियमावली है जिसमें गृह विभाग की नियमावली है, लघु सूक्ष्म उद्योग विभाग की नियमावली है, उनको भी निर्णय ले लिया गया जारी करने का। पेयजल में जो एक समिति थी पहले, उसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उसको करके उसमें धन सिंह रावत राज्य मंत्री को और ऐड किया गया है। इसी प्रकार जो चीड़ की पहले अति इकट्ठी करते थे उनको 1 रुपया राज्य सरकार देती थी, उसे बढ़ाकर 2 रुपये किया गया है। और इसी प्रकार जो कोविड महामारी के कारण 1 वर्ष तक हमने सभी कर्मचारियों का 1 महीने में 1 दिन की सैलरी काटने का निर्णय लिया था, आज आने वाले त्योहारों के मद्देनजर जो निर्णय लिया गया है कि इस महीने से यानी इस महीने का भी कटौती नहीं होगी, उसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक, IAS, IFS और IPS इन सबको छोड़कर इनकी कटौती जा रही है, बाकी किसी भी कर्मचारी की कटौती नहीं।